हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं होंडा वरना है। फ्रेंड्स, हम इसमें ऑटोमेटिक इसका ट्रांसमिशन है गियर बॉक्स, और उसमें हमने फ्रेंड्स इसका ऑयल फिल्टर है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। ये पुराना है फ्रेंड्स। इसमें गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रहा था फ्रेंड्स, गाड़ी चलते चलते झटका लेता है और पिकअप छोड़ देता है। तो ये ऑयल फिल्टर है ना, इसका फुल चॉकअप है, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हो इसमें एमरी। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने न्यू ले लिया फिल्टर, आप देख सकते हो न्यू है फिल्टर, और हम न्यू फिल्टर इसमें फिट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए हम इसको फिट कर लेते हैं, फिर आपको वो ऑयल डाल के फिर आपको बता दे फ्रेंड्स, जो अपना तकलीफ था वो दूर हुआ कि नहीं। देख सकते हो फ्रेंड्स, फाइनली हमने चैम्बर फिट कर दिया, ऑयल फिल्टर फिट कर दिया अंदर, फिर चैम्बर में बॉन्ड लगा के चैम्बर फिट कर दिया। अब ये बॉन्ड को हम 1 घंटा सूखने देंगे, क्योंकि 1 घंटे बाद ही ऑयल डालेंगे, नहीं तो क्या ये बराबर सूखेगा नहीं ना। ऑयल डाल देंगे तुरंत ही तो ऑयल अपना लीक हो जाएगा। अपन 1 घंटा इसको सूखने देते, उसके बाद हम इसमें ऑयल डाल के फिर गाड़ी स्टार्ट करके आपको बताते हैं फ्रेंड्स, जो अपना तकलीफ तो दूर हुआ कि नहीं। तो ये ट्रांसमिशन ऑयल है, मल्टीपर्पज़ है, ATF मोबिल का है फ्रेंड्स ये ट्रांसमिशन ऑयल है। हम इसमें अभी ट्रांसमिशन ऑयल डालने जा रहे हैं, चले डालिए। इसमें डालने से पहले फ्रेंड्स, जो ये लाइन दिख रहा है ना आपको, एक लाइन इसको खुला रखने का, यहाँ से अपना का एयर निकालना होता है। आपको प्रोसेसर बताता है किस तरह से इसका ऑयल डाला जाता है। हाँ डालिए, हाँ डालो डालो, वैसे एयर निकलेगा। खाली देख रहे हो आप, ऊपर से ऑयल डाल रहे हैं फ्रेंड्स, और नीचे से देखिए इसका एयर निकल रहा है। एयर निकालना ज़रूरी है, नीचे आपको दिख रहा है ना, पाइप हमने खुला रखा है। हटाओ ये डब्बा को, हटाओ। देखिए ऊपर से डालना, और नीचे से अपने को ये पाइप खुला रख के, इसमें अपना 7 लीटर इंजन लगा है फ्रेंड्स, और अपने इंजन को चालू कर स्टार्ट करते जो पाइप खुला रखा ना फ्रेंड्स, इसमें ऑयल ऊपर से अपने को टॉपअप करना पड़ेगा। जब तक इसमें नया ऑयल दिया है तब तक अपने को टॉपअप करना, जब नया ऑयल आया तब अपने गाड़ी को स्टॉप कर देना है और पाइप को लगा। देखते हो फ्रेंड्स, हमने गाड़ी चालू रखा और हमने स्कैनर भी हुकअप कर लिया फ्रेंड्स, और आपको बताते हैं फ्रेंड्स, धूप आ रही है। जो ऑयल टेम्परेचर दिखा है ना फ्रेंड्स, ऑयल टेम्परेचर, इसको हम क्लिक करके ओके प्रेस कर दिया, और देख सकते हो 100 डिग्री अपना सेल्सियस 100 डिग्री हो गया फ्रेंड्स। अभी हम इसमें क्या करेंगे, जो अपना गियर दिख रहा है, अपना ब्रेक है, ब्रेक को प्रेस करेंगे और पी से आर में लेंगे 2 सेकंड के लिए, फिर न्यूट्रल में लेंगे, फिर डी में करेंगे, फिर एन 2 सेकंड के लिए, फिर आर 2 सेकंड के लिए, फिर पार्किंग में डाल देंगे फ्रेंड्स। देख सकते हो अपना पार्किंग में,
इसमें क्या हो रहा था फ्रेंड्स, पहले अपना इसमें तकलीफ आ रहा था, जैसे हमने पी से रिवर्स में लिया ना फ्रेंड्स, तो एक जर्किंग हो रहा था, गाड़ी आगे पीछे हो रहा था, झटका ले रहा था और चलते चलते पिकअप छोड़ देता था।